बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। अंकल वहाँ पे है, कह रहे हैं 40 साल दिखा रहे हैं हम इसी अंकल से ही। और वो अंकल कितने साल के थे? 40 के थे वो। हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न मंगल्स व्लॉग। और पहले तो हैप्पी दशहरा सबको। और ये देखो मोक्ष भाई, मॉडर्न भाई। हाँ भाई, हैप्पी दशहरा सभी को। अरे देखो भाई, रामनगर के फेमस बंदे। अरे सब जानते होंगे, जो भी व्लॉग देख रहे हो जानता होगा। अभी 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 ना हमारे एक भाई आ रहे हैं, बहुत हैंडसम भाई, उनसे मिलाते हैं आपको। तो गाइस अभी आ रहे हैं हर्षित भाई। भाई ये लग गया हमारा रावण, और ये छोटी सी जगह भी लगता है हमारा रामनगर में। इतनी जगह है काफ़ी, बहुत भीड़ जाती है हमें, कंजेस्टेड हो जाता है बहुत, क्योंकि छोटी जगह है काफ़ी। और एक ही लगता है हमें, तीन ही जलते हैं हमें, नेहरू स्टेडियम में तीन जलते हैं। तो अभी इसके बाद वहाँ जाते हैं, देख लो भाई। छोटा ही है पर बढ़िया है, जो भी है मेहनत तो उसमें भी लगती ही है। क्या घरों में से देखते हैं लोग? हाँ वही घरों में देखते हैं, वहाँ से पीछे से उनका बढ़िया है, यहाँ पे आने नहीं पड़ता उनको। छोटी जगह बहुत है, स्कूल है ना, वैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल, इसके अंदर ही होता है भाई। यहाँ पे आ गए अपना नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे हम क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं इधर। और यहाँ पे लगता है रावण, और ये तीन, जहाँ पे तीन लगते हैं, यहाँ पे तीन लगते हैं, बजट ज़्यादा है इनका। रामलीला नहीं हुई लेकिन रावण तीन लगा नहीं। हाँ वाली रामलीला ही होते हैं। हाँ तो वहाँ दो होती हैं, इधर भी होते हैं, इस बार इधर नहीं हुई। और जो उधर वाले का होता है उनका रावण होता है। और यहाँ पे इतना बजट है कि ड्रोन भी उड़ा रहे हैं भाई। अरे देख नहीं पता अभी से भी उड़ा रहे हैं। बजट है ना, बजट है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। अब टाइम पूछ के आ रहे हैं कब होगा। और यहाँ पे अभी से भीड़ लग गई। रावण और राम जी की लड़ाई होती है ना बीच में, तो वही होगी, वो 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। पर वो आते कैसे होंगे, वो पीछे से आते होंगे ना, यहाँ तो आ सकते हैं, इतनी भीड़ होती है। वो इतना बड़ा ग्राउंड है ना, इतना बड़ा पूरा बढ़ जाता है, इतना बड़ा ग्राउंड। गेट तो पीछे आया था मोहम्मद शमी, यहीं तो आया था उमेश कुमार के साथ। ये क्यों नहीं, किसको पता नहीं था क्या? मोहम्मद शमी तो बहुत बड़ी बात है यार, पता था यहाँ, लेकिन इतने मैं तो ऐसे थे 100-200 लोग। हाँ 100-200 लोग थे बस, बढ़िया था। योगी जी बताए थे, योगी जी आए थे यहाँ पे, योगी जी आए थे, योगी जी योगी जी यहाँ पे आए थे। जब तो भीड़ हो गई काफ़ी, यहाँ तक तब तो सीटी यहाँ तक लगी हुई। जब सिस्टम आया था ना, सिस्टम साथ में बीजेपी बढ़िया। फुल लाइट, कितना बजट है इनका, बढ़िया लाइट वाइट सब है। मुझे चेक कर घुमा के, सही चल रही नहीं चल रही भाई। थाला फैंस एवरीवेयर, थाला फॉर रीजन भाई, करी हम रोज भाई। तो कोई रेसलिंग होगी ना बीच में, रावण है ना, ये कुंभकर्ण और वो मेघनाथ शायद। सबसे पहले मेघनाथ, हाँ मेघनाथ, कुंभकर्ण, फिर रावण। और बढ़िया है कलर देखे, बड़े ग्रीन पिंक और ब्लू। रावण को पूकी बना दिया भाई। नहीं कह रहा, पूकी बनाया, पूकी रावण। फेस ही लाएंगे, फेस ले तो वे भाई, कुछ तो बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। पर यहाँ से ना अच्छा व्यू नहीं आ रहा, मुंह खुलता है उधर से आएगा। या फिर इसकी टोटी ज्यादा बढ़िया बना दी ना, टोटी रावण ही कहते। अभी आग कहाँ जा रही है? वो 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज? वो शो यहाँ पे 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत टाइम चलेगा, वहाँ पे रेसलिंग चल रही थी, अभी खत्म हो गई। भाई यार कितना बजट है भाई, शेज भी लगा दिया हमारे में, तो वहाँ पे उस पर करेंगे ग्रास पे। और लाइट वाइट भी लगा रखी है भाई इसमें भी, बढ़िया कर रखा है पूरा। जल्दी है बार, ये रस्सी लग रही है पीछे से भी लगा सकते, इसमें आ लगेगी और इसमें ऊपर तक जाएगी फिर ये व्हील में जाएंगे ना, व्हील में। वैसे नहीं, ये नहीं मुझे तो लाइट किस लिए है, वैसे तो मैं देख इधर से इसकी आग निकलेगी, ये ना जो वो है ना अनार वाला, इधर यूँ निकलेगी आग। अच्छा हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, वो नीचे साइड में लग रहा है, वो गोल चक्कर है ना, उसमें गोल घूमने गोल घूमने। हाँ भाई ये रहा ड्रोन, और ये देखो तुम इसकी लाइव, अब लो कितनी बढ़िया आ रही है इसमें।
पहाड़ के ऊपर जा रहा है, बढ़िया फोटो खींचो आपको। चलो क्या हुआ, कल चूरन खा रहे हम लोग, कुछ मतलब इसने कुछ नया ट्राई करवाया। चलो मतलब मेरे का मैंने खा रखा, तूने भी खाया होगा, चूरन मिलता है बढ़िया। वो ठीक है भाई, अब लोग ना आग लगवा के खा रहे थे, अब मैंने कहा अंकल चलो आग लगा दी। भाई अंकल ने ऐसे कर रखा, मुझे आग लगा दी होगी ऑलरेडी, केस करवा रहे। मैं ऐसे करने लगा, अंकल ने भाई वहीं पे मैं ऐसे, मेरा मुंह भी ऐसे था उसमें, अंकल ने पता नहीं क्या टच करवाया उसमें, एकदम ऐसा आवाज सारा लगा शिट भाई उसमें ना। मतलब हम ये प्रयोग ट्राई कर रहा था तो हम टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करा रहे हैं अंकल, वो तेजाब होता है वो खाली टेस्ट करते हैं, वो जल जाता है और धुआं आता है एकदम से ऊपर, तो हम ऐसे हुए आगे को और घर जला दिया। अंकल बताया जला रहे हो एकदम से मुंह पे आया, डर गया था भाई, फट गई। अंकल ने मुझे फिर हमने ले लिया था, खाया तो आई अंकल ने फ्लैश वार्निंग ही दे दिया। अच्छा सिम वैसे होता है खट्टा मीठा, और वो अपना एक चटनी चटनी खत्म हो गया, वो तो खा लिया था अंकल बैठ के, इमली में देते हैं वो इमली। प्रभु के दर्शन हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, मैं चटनी होती है अंकल ने बस करके चटनी ली और खाली चटनी चटनी खा रहे थे। मैंने अंकल किसके साथ खाते हैं उसको चटनी को, कह रही खा लो बस ले लो। और उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई थी, मिली पता नहीं क्या मिला हुआ था, बढ़िया था, पैक करवा करवा के ले जा रहे थे भाई। अंकल वहाँ पे है, कह रहे हैं 40 साल से खा रहे हैं हम इसी अंकल से ही। और वो अंकल कितने साल के थे? 40। उनके पिछले वाले 40 के थे वो। पैदा होते ही आ गए थे, कह रहा हाँ बेटा अंकल के दादा परदादा पापा सब ये करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं मसाले वाले अंकल कह रहे हैं हम 70 साल से रेडी लगा रहे हैं, हमारी चौथी पूर्वज है ये। हाँ पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लो भैया को रावण देख लो, ये देखो ये सेम सा ही लग रहा, इसका भी पिंक बना दिया, ये भी वाला भी पुकी टू रावण हो गया, और ये वाला यहाँ पे रामलीला भी होती है भाई, हमें तो पता ही नहीं था हमें तो, पर देख लो कितना रुड़की कितना बड़ा है भाई। भाई यहाँ पे पुड़ गया रावण, नहीं हो रहा सामने फट रहा है ये, जब भीड़ देखो इतनी भीड़ भाई, कितनी भीड़ है भाई। आ गया रावण देख रहे हैं, अरे घोड़ा देख लो भाई, माधव सेवा है तो आज हम दशहरे में यही संकल्प लेंगे और यही प्रार्थना हम लोग करने आए हैं, प्रभु श्री राम सबके घर में अच्छे आचरण दे, सबके परिवार खूब आगे बढ़े, भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता का सम्मान हो, गुरुओं का सम्मान हो, और हम सब लोग रामायण की तरह रामचरितमानस की तरह सभी के चरित्र अच्छे हो और हम लोग अच्छे कदम आगे बढ़ाएं, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने शहर को आगे बढ़ाएं और पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें और शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ रखें। एक बार पुनः आप सबको एक दोहे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें, खुशियां सबके घर में आती रहें। हनुमान जी की एक छोटी सी चौपाई आपको सुनाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पवन तन है बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम भाई, जी भी अमोद रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी की तरह, राम जी के तीर की तरह हम सब लोग आगे बढ़ते रहें, खुशियां बांटते रहें और देश को विश्वगुरु बनाने में संकल्प लें और देश को विकसित बनाने में संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम, जय चंद्र की जय। रावण हमारे बीच में, सतीश सैनी जी हैं मंगलम ज्वेलर्स से करके आपके मंच पर रहेंगे, और हमारे बीच में सैरभ जैन जी हैं करके आपके मंच पर रहेंगे, प्रदीप पत्रा जी भी मंच पर रहेंगे, सर गुप्ता जी मंच पर रहेंगे, संजीव मारवाड़ी जी मंत्री भी मेरे को शक्ल दी। ये लो रूम दो दो ड्रोन और भीड़ देखो भाई कितनी भीड़ है, छत भी नहीं छोड़ी लोगों ने। भाई कैंडल लाइट छोड़ी किसी ने, देखो देखो
आजादी शोध कर युद्ध ओ पंद्रो वाले भाई सारे पटाखे नीचे फट रहे हैं, डर लग रहा है। तो इधर इधर उधर ना जाए, एक इधर भी नीचे फट गया, उधर भी नीचे फट गया। पटाखे इन्होंने सुनाए नहीं, अभी कमल चाहे उसमें नहीं सुखाए, धूप में नहीं सुखाए पटाखे। नीचे बैठे भैया, नीचे बैठे भैया, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए।
अपने मोबाइलों में इस बहुत ही विगम दृश्य को कैद करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लॉग तो लाइक करके मिलते हैं अगले बेहतरीन ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।